की चौपाल से पेड़ों की छांव में हम ले चलेंगे आपको गांव की सरकार में। चक्रव्यूह एक ऐसा शब्द जो राजनीति, संघर्ष और षड्यंत्र तोड़ने जैसे मौकों पर काम आता है। जी हाँ, इसी चक्रव्यूह शब्द की उत्पत्ति हुई इसी गांव अमीन में, जहां पर वीर अभिमन्यु कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वीरता से लड़े, लेकिन शस्त्रहीन हो गए। और उसके बाद रथ के पहिए से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं से टक्कर ली और वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन गांव अमीन को एक गौरवशाली इतिहास दे गए। जी हाँ, गांव अमीन का ये टीला हजारों साल पुराना है और गांव अमीन के गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहा है। तो चलिए चलते हैं गांव अमीन में और देखते हैं कि राजनीति में किसने इस चक्रव्यूह को रचा और इस चक्रव्यूह को भेद कर कौन बाहर आएगा। वीरेंद्र मास्टर जी एक ईमानदार और साफ सुथरे छवि के आदमी हैं। अभी 8 साल यहाँ स्कूल में रहे मास्टर, बच्चे की पूरी सेवा करी। पंचायत चुनावों की डगर सबसे टेढ़ी, सबसे मुश्किल, लेकिन जीतेगा वही जो मेहनती होगा, ईमानदार होगा और साफ छवि का होगा। ये बहुत संस्कारी बच्चा है। वीरेंद्र मास्टर को समर्थन दिया है मैंने। मास्टर जी का सहयोग करने के लिए तैयार है। पढ़ा लिखा है मास्टर वीरेंद्र सिंह, हमने यही सरपंच चुनना है। हरियाणा की जनता को एक बार फिर मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का, अपनी गांव की सरकार चुनने का, यानी कि पंचायत चुनाव। चाहते हैं कि ये सरपंच बने और कोई नहीं है जो मास्टर वीरेंद्र सिंह की टक्कर में आ सके।